नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि डिजी पे का जो है नया सॉफ्टवेयर आ गया है, तो वो किस प्रकार से काम करेगा और इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शन आए हैं। इसमें सबसे पहले डैशबोर्ड लिखा हुआ है। डैशबोर्ड के अंदर आप बैलेंस चेक कर सकते हो, कितना बैलेंस वो स्टेटस दिखाएगा, बिल पे कितना स्टेटस है वो दिखाएगा, डिपॉजिट का दिखाएगा, विड्रॉल का दिखाएगा, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपको दिखाएंगे। इसमें इस साइड में जो लिखा है एफिडेविट, एफिडेविट का अर्थ है कि यहाँ में यहाँ से आपको 100 रुपये का स्टाम्प देना है। मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए स्टाम्प जो है वो आपके जैसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो तो ये 6 फाइल खुलती हैं, इसमें ये डिजी पे एफिडेविट लिखा है। ये जो 100 रुपये का स्टाम्प है ये आपको देना है। 100 रुपये के स्टाम्प के ऊपर इसको प्रिंट करवाना है, उसके बाद यहाँ सारे डिटेल भरनी है और नोटरी करवाना है। नोटरी करवा करके और आपको आपके जो DM है उसको भेजना है। स्टाम्प हो गया। स्टाम्प के बाद विड्रॉल का ऑप्शन है। विड्रॉल का ऑप्शन पहले की तरह ही काम कर रहा है। इसमें वो जो ड्यूअल फिंगर आ रहा था वो इसमें यहाँ टिक मार सकते हो। यहाँ टिक मारोगे तो 2 बार आपको फिंगर देनी पड़ेगी, नहीं तो आप नीचे वाले टिक मार के स्कैन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बैलेंस, बैलेंस चेक भी पहले जैसा ही ऑप्शन है, कोई अंतर नहीं है। वॉलेट, ये नया ऑप्शन आया है। तो वॉलेट के अंदर क्या है कि वॉलेट से यदि आप पैसे विड्रॉल करते हो तो ये जो पैसा है वो आपके CSC ID जो है उसके वॉलेट में पैसा जाएगा, और विड्रॉल करते हो तो वो पैसा आपके OD अकाउंट में जाएगा CSC के, वहाँ से आप पे आउट कर सकते हो अपने खाते के अंदर। और विड्रॉल यदि कर वॉलेट करते हो तो ये पैसा जाएगा आपकी CSC ID में। इतना सा दोनों का अंतर है। पे आउट पहले जैसा प्रोसेस है, पहले यहाँ आधार कार्ड वगैरह नहीं लगता था, अभी वो CSC ID लगा के अमाउंट डाल के और कम से कम 2500 रुपये का वॉलेट विड्रॉल कर सकते हो, 2500 से कम नहीं होगा। क्लाइंट लॉग्स, इसमें दो दो एंट्री दिखा रहा है, ठीक है, और इसमें 3 दिखा रहा है। इसमें देखिए जैसे 517 रुपये पहले से पड़ा था, जैसे कई लोगों के पैसा पहले से पड़ा हुआ है वो देख नहीं पा रहे हैं कितना है, तो उनके लिए मैं बोल देता हूँ कि वो पहले 500 रुपये का एक विड्रॉल करें। यदि पहले से जितना भी पैसा है उसमें प्लस होकर के यहाँ पर इस एंट्री के अंदर आपका दिखा देगा वो पैसा, ठीक है, इस एंट्री के अंदर वो सारा का सारा पैसा आपको मिल जाएगा। उसके बाद मैंने 500 रुपये वॉलेट से विड्रॉल किए, 500 विड्रॉल करते ही यहाँ कितना हो गया 1070, उसमें से CSC के वॉलेट में चले गए 500, बच गए वापस से 570। यहाँ पे 2 ID दिखाता है, यहाँ पर वो जो CSC ID तीसरी एंट्री है ना वो प्लस करने वाली 1070 वाली, ये यहाँ पर नहीं दिखाएगा। तो ये इस प्रकार से सामान्य से ऑप्शन है इसमें। और इसमें सबसे अहम बात यही है कि आपको यदि DGPay के अंदर काम करना है तो आपको 100 रुपये का स्टाम्प आपके DM को भेजना होगा, उसके बाद आप इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है, काम करें, कमीशन भी BC से ज़्यादा आता है। मैंने 2 महीने काम किया, 2000 रुपये कमीशन आया था, और अन्य BC के अंदर 100 250 इतने ही आते हैं, तो BC से अच्छा कमीशन है। और पैसा भी अभी तक तो मेरा फंसा नहीं है, 2-3 साल से काम कर रहा हूँ। तो आप भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और इस सर्विस का उपयोग करें। ये वीडियो दोबारा इसलिए बनाया है क्योंकि पहले जो वीडियो बनाया था वो गलती से डिलीट हो गया, इसलिए दोबारा इसको अच्छी प्रकार से बनाए। सूचना अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। एक विशेष सूचना, DGPay के साथ आप बैंक BC SSO भी चलवा सकते हो, उसके लिए आपको मुझसे संपर्क करना पड़ेगा। इसको डाउनलोडिंग के लिए मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें और इंस्टॉल करें। सूचना अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।